हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। अभी हम जा रहे हैं बाहर एंड आप लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि आपने वीडियो क्यों नहीं डाला। दो दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, उसके दो रीजंस हैं। एक तो बारिश की वजह से यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की कटौती हो चुकी है, इंटरनेट तो आ ही नहीं रहा है, तो वीडियो अपलोड होने का तो पॉइंट ही नहीं बनता है। एंड दूसरी थिंग, ऑल दो मेरे पास वीडियो रेडी थे, एडिट नहीं किया था। एंड तीसरा एक और रीज़न ये है कि मुझे ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। सो समटाइम्स यू नो, बहुत ज़्यादा पोस्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि, क्योंकि अभी मैं दो दो चैनल पर पोस्ट कर रही हूँ, मतलब इस पर भी कर रही हूँ एंड देन माई तेलुगु चैनल ऑल्सो, सो अ काइंड ऑफ यू नो, बहुत एग्जॉस्ट हो जा रही हूँ ऐसा लग रहा है। जो बोलते हैं ना, थोड़ी ठंड पा ले बेटा, तो मैं थोड़ी अपने लिए ठंड पा रही थी, तो वो मैंने ठंड पा ली। मैंने बोला चलो अभी शुरू करते हैं। अभी भी मैंने व्लॉगिंग इसलिए शुरू करी है कि अब मैं थोड़ी जो है रिलैक्स हूँ। एंड दो दिन से जब मैंने कुछ भी ना फ़ोन मैंने कुछ शूट किया ना कुछ एडिट किया, तो मुझे लगा भैया अब प्रॉपरली रेस्ट हो चुका है, अभी शुरू करते हैं। एंड अभी हम जा रहे हैं बाहर प्रिंटर लेने के लिए, मतलब पहले तो अभी देखेंगे लेंगे अभी या नहीं वो तो पता नहीं, वो इसलिए क्योंकि आदित्य के जो है अभी एग्ज़ाम चल रहे थे। एंड चौथा रीज़न ये भी है कि आई वॉज कॉन्सनट्रेटिंग ऑन माई सन्स एग्ज़ाम, तो मैं उसको पढ़ा रही थी बहुत जोरों शोरों से, बट फिर भी जो है आउटकम इतना अच्छा मुझे मिल नहीं रहा है। तो आई वॉज लाइक कि जैसा पैटर्न वो लोग स्कूल में देते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, इनके स्कूल में कैसा है कि प्रिंट आउट निकाल के सीधा एक क्वेश्चन दिया, उसके बाद ब्लैंक्स दे दिए, उसमें बच्चों को लिखना है, वैसे टाइप का। एंड जब मैं हम उनको घर में प्रैक्टिस कराते हैं, रफ नोटबुक में कराते हैं, तो मैं अगर क्वेश्चंस लिख के दूँ तो उसको वो चीज़, मतलब बच्चों को जनरली जो है सेम चीज़ कैचअप करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है थोड़ा अलग दिख रहा है, सफ़ेद पेपर आ रहा है उस पर लिखना है, एंड जो नोटबुक में वो लोग लिखते हैं वो फोर लाइन्स होती है। तो माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है बच्चों बच्चों के कि हाउ दे टेक इट। सम टाइम क्या होता है, आता होता है आंसर, लेकिन वहाँ पे थोड़ा देखने का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे आंसर नहीं लिख पाते। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि प्रिंटर लेना है लेना है। अब मैंने बोला इतनी मेहनत मैं कर ही रही हूँ उसके ऊपर, इतना पढ़ा रही हूँ, अभी मैं कम से कम उसको हर दिन जो है 4-5 घंटे पढ़ा रही हूँ। एंड पढ़ाने इन द सेंस कि वो उनसे पूछ रहा है, फिर मैं उसको बता रही हूँ, फिर वो जाके कर रहा है, और बहुत स्लो लिखता है आदित्य, बिकॉज ही इज़ मच कंसर्न अबाउट हिज हैंड राइटिंग, तो इसलिए जो है काफ़ी सारा टाइम लग रहा था। तो आज भी उसका एक एग्ज़ाम हुआ था, इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था, तो जिसमें 5 पेज आए थे, बट उसने उसमें 3 ही पेज लिखे हैं एंड 2 पेज उसने छोड़ दिए हैं, मतलब पेपर हमको दिया नहीं है। टीचर से भी बात हुई थी मेरी, मैसेज भी करते हैं, हमारा मतलब स्कूल का एक ग्रुप है जिसमें सारी जो है टीचर इंटीमेट करती रहती है कि बच्चों को जो भी फॉर्मेट होते हैं प्रैक्टिस के लिए वो भेजते हैं, मतलब अप टू डेट रखते हैं लोगों को। तो उन्होंने बोला कि आदित्य ने जो है 3 पेज लिखे, बाकी 2 छोड़ दिए करके। तो मुझे यही लगा कि 3 घंटे का पेपर था वो, 3 hours उनको लिखना था, जिसमें वो उसने 5 पेज भी नहीं लिखे। मेन मेरे को यही डिफरेंस लगा कि यहाँ पे हम जो उसको नोटबुक में कराते हैं वो अलग है, और वहाँ पे जब उनको सफ़ेद पेपर मिलता है उस पर लिखना अलग चीज़ होता है। तो मुझे लगा कि मैंने कल, मतलब 2 दिन से मैंने व्लॉगिंग भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, मैं वो पहले भैया अपना बच्चा ज़रूरी है, उसकी पढ़ाई ज़रूरी है, हम तो भैया बनाते रहेंगे वीडियो, कमाते रहेंगे अलग बात है, लेकिन काबिल बनाना ज़रूरी है। मुझे लगा अब मैं उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ, सब कुछ क्लियर कर रही हूँ, लेकिन जो आँखों से देखने का नज़रिया है वो वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए अब प्रिंटर लेके मैंने ये सोचा है।
एंड आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल यू पेरेंट्स ओवर देयर. जो भी अगर आपको लगता है कि आपने पूरी मेहनत करी है, आपके बच्चे ने पूरी मेहनत करी है, बट स्टिल यू नो समवेयर इट इज़ लैकिंग, देन आई फील दिस प्रोसीजर माइट वर्क. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ. आई डोंट नो हाउ परफेक्टली इट विल गो, बट मुझे इंस्टिंक्ट होता है ना कि लगता है भैया ये तो पक्का काम करेगा टाइप. तो मुझे लग रहा है कि ये पक्का काम करेगा इस बारे, क्योंकि इससे पहले भी जब हॉलीडे होमवर्क मैं उसको देती थी ऐसे ही मम्मी के जब घर पे थी तो वहाँ पे प्रिंटर था, तो मैं उसको प्रिंटर से निकाल के देती थी एंड वो झटपट कर देता था क्योंकि उसको मालूम है भाई इसको इतने देर में इतनी फटाफट कर सकते हैं करके. तो उसी कॉन्सेप्ट में हमने ठान लिया कि प्रिंटर लेंगे, अभी नहीं तो कल या तो आज, कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए अब प्रिंटर में उसको जो भी क्वेश्चंस होंगे या होमवर्क होगा या प्रैक्टिस होगा, मैं प्रिंट आउट क्वेश्चन टाइप करके प्रिंट आउट निकाल के देंगे और वो करेगा, है ना आदित्य? अभिषेक था जब वो सो हाय कर रहा है अभिषेक, इसलिए हम जा रहे हैं अभी. एंड और एक आध काम भी है वो भी निपटा के आ ही जाएंगे. आज मैं स्विमिंग को भी मैंने त्याग दिया, तो अगर मैं स्विमिंग जाके आती हूँ और उसके बाद हम लोग जाते हैं प्रिंटर खरीदने के लिए या देखने के लिए तो टाइम ज़्यादा लग जाता, तो इसलिए जो है प्रायोरिटी वाइज काम कर रहे हैं. एंड दूसरी एक और चीज़ ये है कि जैसे मैं ब्लॉग्स पोस्ट करती हूँ, जो भी पोस्ट करती हूँ, तो कभी कभी जो है ब्लॉग मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉग में आप 24/7 जो है मैं आपको हमेशा या तो बर्तन साफ़ कर रही हूँ या तो कहीं की सफाई कर रही हूँ या तो कहीं के अरेंजमेंट करती हूँ, हमेशा इट इज़ नॉट पॉसिबल. बिकॉज अगर मेरा घर ऑलरेडी अरेंज है तो मैं रीअरेंज थोड़ी करती रहूँगी वीडियो के लिए. तो अगर आप अभी तक मुझे जान चुके हैं तो मैं वही दिखाती हूँ नेचुरली जो होता है मेरी ज़िंदगी में. ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए कुछ अलग से फॉर्म करके कुछ दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है. तो इन बिटवीन जब मैं आपको व्लॉग्स शेयर करती हूँ तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे बात करना भी ज़रूरी होता है. एंड मुझे लगता है शेयर करने से अगर मैंने कुछ चीज़ें देख के जानी है या सुन के जानी है तो मेरा यहाँ पे काम ही ये है कि मैं कुछ सीखूँ या कुछ सिखाऊँ. तो हमेशा ऐसा नहीं है ना भी ब्लॉग है तो भाई मैं काम ही करते रहूँ. तो कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ लोग ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आज का ब्लॉग बड़ा बोरिंग था. मतलब अगर किसी वीडियो में मैंने बात कर ली तो वो बोरिंग हो गया इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम स्पीकिंग इन इट. तो प्लीज़ मतलब कमेंट तो आप कैसे भी करो, आपकी मर्ज़ी, आपका हाथ है, आपका मोबाइल है, कुछ भी करो. ये तो मेरे ऊपर है कि मैं उसको कैसे लेती हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है वो करो. लेकिन जो मेरा मन करता है, आई टेक सजेशंस अगर है कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने वाले तो वो तो मैं करूँगी. अगर आप किसी को एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आप अपने ऊपर भी वो सेम क्वेश्चन डालिए कि आप क्या करते हैं, क्या आप 24 घंटे 24/7 लगे रहते हैं काम करते हैं? नहीं ना. तो जब आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मेरे लिए कहाँ से पॉसिबल होगा? एवरी डे अगर आप मुझे बोलते हो कि काम ही दिखाओ या कुछ एक्टिविटीज़ दिखाओ तो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो समझने वाली चीज़ है. तो अभी हम अपने लोकेशन पे भी पहुँच गए एंड चलिए प्रिंटर्स चेकआउट करते हैं. तो हम यहाँ पे ECT में आए हैं बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी होते हैं यहाँ अच्छे अवेलेबल रहते हैं. तो लेट्स चेकआउट. जो शॉप है वो भी आपको मैंने दिखा दी. एंड ये जो वॉच दिख रही है एकदम पिद्दू सी है, लेकिन ये 40,000 एंड इसके साइड में एक है वो 50,000 की. एप्पल का ये फ़ोन वॉच है, देखो इतना सा है, फीचर्स सारे हैं, इतनी सी मतलब साइज़ इतना छोटा है, लेकिन दाम देखो फ़ोन जितना भी आप मतलब बड़ा वाला कोई भी फ़ोन खरीदते हो उससे भी ज़्यादा है. तो बट क्लैरिटी वाइज एवरीथिंग मतलब सारे फीचर्स जो एक फ़ोन में रहते हैं वो सब कुछ है इसमें. आप पूरा डेटा इसमें रख सकते हो, सब कुछ है. अगर आपको लेना है ले सकते हो, मैं तो कभी नहीं खरीदूंगी ये. तो मैं चेक कर रही थी कि काम कैसा करता है क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने भी आदित्य के लिए एक फ़ोन वॉच ली थी क्योंकि उसने ज़िद करी थी. तो हमने प्रिंटर भी ले चुका है, प्रिंटर मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया, उन लोगों ने हमको देने से पहले जो है थोड़ा खोल खाल के दिखाया था. एंड बिल बन चुका है. तो ये ECT के ओनर है जिनसे अभी हस्बैंड बात कर रहे हैं एंड अभी हस्बैंड जो है बिल पे कर रहे हैं. तो जो प्रिंटर हमने लिया है वो है HP का.
इंकजेट वाला है, मतलब कलर प्रिंटर है। तो जो भी अगर आपको कोई फ़ोटोग्राफ्स भी निकालने हैं, आपके पास अगर फ़ोटोग्राफ वाला पेपर है तो उस पर एकदम क्लैरिटी से डिजिटल प्रिंट वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमको दिखा रहे हैं हमारा HP प्रिंटर। तो अगर आपको रिव्यू चाहिए इस HP प्रिंटर का, अगर आप भी मेरी सलाह मान के अगर आपको लगता है ख़रीदना चाहिए, तो बच्चों, मैंने कलर प्रिंटर इसलिए लिया क्योंकि बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को कलर्स के साथ अच्छी तरह समझ में आता है एंड कलर्स भी उनको पहचान में आते हैं। एंड आदित्य के लिए तो लिया ही लिया है, अभी अभिषेक को भी स्कूल में डालना है तो उसके लिए भी काफ़ी काम आएगा। आई कैन टेक द प्रिंट आउट एंड आई कैन कीप आस्किंग विच कलर एंड ऑल, ऑल्दो अभी से ही वो सारे कलर सही बताता है। तो कलर वाला जो है एक एज तक छोटे बच्चों के लिए ठीक है, इफ़ेक्टिव रहता है अगर के लिए है। तो इसका देखिए ये नंबर है, वायरलेस है तो प्लग लगा के हमको उसके बाजू में बैठ के सारा कॉर्ड वॉर्ड लगा के झंझट मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वाईफाई से चलता है। तो आप अपने मोबाइल से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, लैपटॉप से भी, किसी से भी निकाल सकते हैं, जहाँ जहाँ आपका वाईफाई काम करता है। तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट रियली, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द से जल्द इसका रिव्यू कर दूंगी आपके लिए। एंड अभी जो है गाड़ी की डिक्की में इसको डाल दिया जा रहा है एंड डेमो देने के लिए जो होंगे वो कल आएंगे, उन्होंने बोला है तो हमने बोला जल्दी से डेमो दे देंगे तो फिर बेटर रहेगा करके। तो फाइनली हमने प्रिंटर ले लिया, अभी सोचा, हमने दोपहर को सोचा, निकले शाम को एंड ख़रीद भी लिया। समटाइम्स इफ थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा रिसर्च करने से टाइम वेस्ट होगा क्योंकि आजकल YouTube है, सब कुछ है। ख़रीदने से पहले आप दो चार प्रिंटर्स या थोड़े बहुत वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएगा आपको कौन सा लेना है। तो ख़रीदने से पहले भी मैंने थोड़ा देखा था ऑलरेडी क्या बेटर है, क्या कौन सा कैसा काम करता है करके। एंड बिग बाज़ार गया अभी एंड बारिश जो है इतने दिन से रुकी नहीं रही है, रोज़ जो है बरसात हो ही रही है। कहीं निकलना है तो बस गाड़ी में तो वाइपर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एंड साइड में जो थी ये हमारे जो एक्वेरियम वाले भैया की शॉप है, उनकी शॉप थी तो हम लोग इधर आए। ये नीमो फिश पिछली बार मैं दिखाना आपको भूल गई थी इसलिए मैं अभी दिखा रही हूँ। नीमो मूवी एक आई थी ना, देखो सेम फिश है वैसी की वैसी। एंड कुछ दिन पहले जब मैंने आपको कैश दिखाई थी, वो उसका नाम क्या था, सिफोरा, जो दो बिल्ली पति पत्नी बिल्लियाँ दिखाई थी ना मेरे को, बिल्ली एंड बिल्ला, वो दोनों बिक चुके हैं एंड ये उनके बच्चे हैं तीन जो अभी बाकी है यहाँ पे। सो नाउ दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, हमारे घर के सामने वाला जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था बरसात की वजह से प्रॉबेबली, एंड बरसात नहीं भी हो रही थी तो जब घर का कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है पिक्चर में आ जाती, कभी वर्कर्स नहीं आते, कभी कुछ होता है कुछ ना कुछ। सो फाइनली जो है आज इनका स्लैब डल रहा है, पता नहीं मेरे को अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि उन लोगों ने जो है पूरा आयरन बिछा दिया था ऊपर, जो भी बोलते हैं ना सेंटरिंग करना, वो पूरा काम हो गया था। एंड वो जब डाला था उन्होंने तब एकदम लोहे का कलर काला था, लेकिन इतने दिन पेंडिंग रहने की वजह से, बारिश आने की वजह से वो पूरा आयरन में जो है जंग लग गया था। तो आई वॉज सो वरीड कि यार आइटम ख़राब हो रहा है उनका, ख़राब हो रहा है करके। एंड साइड में उन्होंने सीमेंट वाले जो बैग्स थे वो भी डलवा लिए थे, एंड सीमेंट बैग डलवाने के बाद भी कम से कम 10-15 दिन जो है ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आई वॉज लाइक कि हवा लग के कहीं टाइट ना हो जाए, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। तो फाइनली स्लैब हो गया तो आई फेल्ट हैप्पी, उनको जितनी खुशी नहीं हुई मुझे हुई। एंड ये आप रोटी मेकर जो देख रहे हैं, एक्चुअली पूरी मेकर, मैंने रोटी मेकर समझ के लिया था बिकॉज फ़ोटो में बड़ा दिख रहा था, अमेज़ॉन से लिया था। तो पूरी वाइज पूरी बनाने के लिए तो ठीक है, बट इतनी मेहनत तो हम अगर नॉर्मल बेलने में लगाएंगे तो फटाफट भी हो जाएगा मुझे लगा। तो मैं पहली बार ये पूरी मेकर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं था कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो पहले मैंने जो है आटा मिला के उसके गोल गोल बॉल्स बना रही हूँ मैं अभी, एंड उसके बाद अभी मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। तो उसको पिचकाने में थोड़ा दम लगता है, आई मीन जो लीवर है उसको दबाना पड़ता है, जितना बार आप उठा उठा के दबाएंगे उतना जो है अंदर जो ये गोले हैं वो स्प्रेड होते रहेंगे, पूरी बनती रहेगी। तो पूरी में जो है आपको खाली आटा ना लगा के तेल लगाना चाहिए, एंड इस वाले में अगर आप ड्राई भी लगाएंगे तो इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होगा, तेल ही लगाना पड़ेगा अगर आप रोटी भी इतने साइज़ की बनाना चाहते हो। तो देखिए मैंने एक बार करा, वो ऊपर टूट टूट के कुछ हो गया उसका एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फिर अब मैंने दोबारा रखा है एंड नाउ आई एम प्रेसिंग अगेन,
नाव फिर ऊपर चिपक के ये फिर टूट गया। एंड अगेन मैंने कितनी बार ट्रायल किया आपको देख के पता लग रहा होगा। फिर मैंने बीच में रखा एंड उसको दबाया एंड बहुत एकदम जो है छोटी सी पूरी बनी एंड अनइक्वल बनी। फिर मैंने फिर थोड़ा साइड में रखा, मतलब हर एंगल में रख के मैंने देखा तो ये जो पूरी है एकदम सही बनी, लेकिन साइज़ बहुत छोटा था। फिर मैंने और दबाया इसको तो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया एंड अभी मैं इसको तल दे रही हूँ। तो पूरियाँ अच्छी बनी थी पर मुझे लगा कि मैंने इसको ख़रीदा था 450 रुपीज़ का है ये, तो मुझे लगा 450 रुपीज़ इस चीज़ के लिए मुझे लगता है नहीं खर्च करने चाहिए, इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं इसको रिटर्न कर दूँ। लेकिन पूरियाँ मूरियाँ ठीक ही बनी थी लेकिन मेहनत ज़्यादा लग रही थी। एंड अभी हम खा लेंगे इसको। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे व्लॉग्स मिस कर रहे हो, कर ही रहे होगे। जिनको पसंद है वो तो मिस करेंगे ही, जिनको पसंद नहीं है वो भी मिस करते हैं, क्योंकि नेगेटिव कमेंट तो करना है ना के। बट यहाँ पे मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू व्लॉगिंग। आपके शायद क्वेश्चंस होंगे दिमाग में एंड कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा पोस्ट नहीं करूँगी या करूँगी ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। तो मेरा ये था कि ज़बरदस्ती कुछ शूट करके पोस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ एवरीडे व्लॉगिंग टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। तो मुझे लग रहा था अगर मेरे पास कंटेंट है व्लॉग बनाने के लिए, कंटेंट इन द सेंस जब मेरे पास एक्टिविटीज़ हो, जैसे कि व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपसे इसमें वार्तालाप किया था, तो ये वीडियो, ये वाला जो व्लॉग है मैं करीबन एक हफ्ते पहले से शूट कर रही हूँ, बट मैंने उसको एडिट नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट व्लॉगिंग एट ऑल। तो मैं यहाँ पे यही ओनली संदेश देना चाहती हूँ कि मैं व्लॉगिंग करूँगी बट तभी करूँगी। इट्स नॉट लाइक यू नो हर दिन मैं व्लॉगिंग में नहीं लगे रहूँगी। अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं शायद रोज़ भी पोस्ट कर दूँ, अगर मेरा दिल नहीं कर रहा है व्लॉग पोस्ट करने का तो मैं नहीं भी कर सकती हूँ। जैसे कि आप पोस्ट वीक में देख चुके हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, आप यह दिखा रहे हो या वो दिखा रहे हो, पर YouTube में हमारा काम ही है आपको कुछ ना कुछ बताना या कुछ ना कुछ दिखाना। हमेशा इन्फॉर्मेशन देना इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट दिखाना भी एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बताना भी एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप उसको नेगेटिवली लोगे या किसी और एंगल में लोगे तो दुनिया में जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, सबको अपनी दुकानें कंपनीज बंद करके बैठना पड़ेगा कि वो कोई एडवर्टाइज़ करे नहीं, तब आपको ही दिक्कत हो जाएगी कि कल आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आपको रिव्यू देने वाला या आपको बताने वाला कोई होगा ही नहीं। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, आप इसको किसी और एंगल में ना लीजिएगा। जो हमारा काम है हमें बखूबी मालूम है कि हमें क्या करना है एज यूट्यूबर। एज अ व्यूअर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि ये वाला चीज़ आपने ख़राब किया, आप इसको इम्प्रूव करो, उसके लिए आपकी जो सलाह है सर आँखों पर। लेकिन आप प्रोडक्ट मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, तो वो तो कभी हो नहीं सकता है अनटिल अनलेस मैं यूट्यूब छोड़ नहीं देती, एंड वो भी पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब कभी छोड़ूँ। तो मेरा बस कहने का यही यहाँ पे मोटिव है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो देखना तो आप देखो। जैसे कि अभी मैं व्लॉग पोस्ट करती हूँ तो देखने की तादाद ज़्यादा होती है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू कर रही हूँ या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ तो जो व्यूअरशिप होती है वो कम होती है। तो जब आपको मालूम है, आपको वीडियो देख के पता लग रहा है कि वो कोई और रिव्यू वीडियो है, तो आप मत ही देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, उसके लिए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं वही बोल रही हूँ, जिन लोगों को मैं पसंद हूँ, मेरा कंटेंट पसंद है, जो भी पसंद है वो रहो मेरे साथ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग पूरी बंद कर दूँगी या मैं यही वाले वीडियोज़ डालूँगी, ये वाले नहीं डालूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ डालूँगी बट मैं अपने आप को यू नो एवरीडे व्लॉगिंग करना, मतलब सबको मालूम है एवरीडे व्लॉगिंग मतलब आप एवरीडे 24 घंटे फ़ोन पकड़ के घूम रहे हो, यू डोंट हैव क्या बोलते हैं, खाली टाइम आपको मिल ही नहीं रहा है, आप कुछ कर रहे हो यू आर शूटिंग, आप कुछ कर रहे हो यू आर शूटिंग। तो एक पॉइंट आने के बाद ऐसा लगता है यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कि क्या बार 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 हमको खुद को ये फीलिंग आने लग जाती है। तो इट्स गुड टू टेक लिटिल ब्रेक्स इन बिटवीन, और मतलब जब इच्छा होती है ना, दिल से आवाज़ आती है ना, तभी करना चाहिए वीडियो। एंड आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप अब से मेरा जो चैनल में है वीडियो कंटेंट हमेशा मिक्स ही देखेंगे, हमेशा से मैं ऐसे ही डालती थी, लेकिन बीच में क्या होता है ना, हम लोग भी
भेड़ चाल में चल पड़ते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि भैया ये भी वो ब्लॉगिंग कर रहा है, वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है, चलो हम भी ब्लॉगिंग करते हैं। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था इट वाज़ मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं ऐसी मैंने अपना जो चैनल शुरू किया था वो हेयर स्टाइल्स बना के शुरू किया था। उसके बाद मैंने मेंस्ट्रुअल कप शेयर किया, उसके बाद मैं कभी कोई क्या बोलते हैं जो फेस मसाजर होता है वो शेयर किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी मैं जो मैंने शेयर की, और वो मेरी खुद चार्जिंग ख़त्म हो रही है तो वो मेरी खुद की खरीदी हुई थी, ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझे भेजा है। तो आपने देखा कि मैं इस स्टेज से लेके इस स्टेज तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है। और जो भी यूट्यूबर्स आज ग्रो कर रहे हैं, एवरीबडी आर वर्किंग हार्ड। अभी अगर आप बोलते हैं कोई फ्री का आइटम मिल रहा है, या फ्री का कुछ भी नहीं होता है भैया, हम उनको उस क्या बोलते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो उनकी सेल्स बढ़ेगी, उनकी सेल्स बढ़ेगी इसलिए वो हमको प्रोडक्ट भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपना ही फ़ायदा सोच रहे हैं, उनका फ़ायदा करवा रहे हैं, हम अपना भी फ़ायदा कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ जॉब विच वी हैव टू डू, आप समझने वाली बात है। अगर क्या बोलते हैं अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मत देखो प्लीज़। और दूसरी बात, किसी ने मुझे बोला था कि अब आप जो है व्लॉग आपने कम कर दिए हैं, आप अपने चैनल का नाम ही चेंज कर दो करके। सो भैया, स्टाइल विद पैशन का मतलब ये नहीं है। स्टाइल व्लॉगिंग के लिए मैंने अपना चैनल का नाम स्टाइल विद पैशन रखा था। जब मैंने चैनल शुरू किया था मेरा मोटिव था कि जो भी मैं करती हूँ, वॉट एवर आई डू दैट इज़ विद अ पैशन, द नेम इटसेल्फ सेज दैट। मैंने बीच में कभी अपने व्लॉग वीडियोस में भी बोला हुआ है, जो भी काम मैं करती हूँ उसमें एक पैशन रहता है। लेट इट बी एनीथिंग, आप उस चीज़ को देख पाएंगे, जिस चीज़ से जिस भी बारे में मैं बात करती हूँ मेरा एक स्टाइल है, मेरा एक डिफरेंट क्या बोल सकते हैं, मेरा बात करने का तरीका डिफरेंट है, या कुछ भी है। किसी चीज़ को अगर मैं रिव्यू भी कर रही हूँ मेरा बताने का तरीका अलग है। तो मैं जो भी करती हूँ उसमें एक शिद्दत होती है। ये नहीं है भैया मैं अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ तो भाई मेरे को कंपनी ने भेजा होगा तभी मेरे पास शिद्दत, कंपनी ने भेजा हो या नहीं भेजा हो वो शिद्दत इसलिए क्योंकि मैं जब अपने मुँह से चार शब्द निकाल रही हूँ वो चार शब्द आप सब लोग को यूज़ होने चाहिए। तो जिसने भी बोला था ये कि अपने चैनल का नाम चेंज कर लो, आई होप कि आपको क्लैरिफिकेशन मिल चुका होगा, इसमें कोई रूट नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट यू हैव सेड। एंड जब हम वो एक काम करते हैं तो हमको मालूम होता है कि हम किस एंगल में किस वजह से कर रहे हैं, उसको इतनी जल्दी जजमेंटल वे में ले के अपने डिसीजंस मत सुनाया कीजिए। तो बस इतना ही कहना चाहती थी। दिस इज़ द अपडेट ऑफ माई चैनल और माई लाइफ विच आई हैव शेयर्ड विथ यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, अगर नहीं आई है तो डिसलाइक का बटन भी बाजू में ही है, वो भी दबा सकते हो। एंड अगर ज़्यादा पसंद आई है तो शेयर भी कर सकते हो। एंड अगर बार बार देखना चाहते हो मेरे वीडियोज़ तो सब्सक्राइब कर लो घंटी बजा के। चलिए तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।